सरस्वती युग ज्ञान की देवी है या देवता है? हैं? देवी है। ज्ञान का देवता क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो जो रसवान होता है सरस, रस माने ज्ञान का रस, सरस्वती रस वाली, और रस है सिर्फ वाचा वाचा में रहे और प्रैक्टिकल जीवन में ना हो, मुख से तो बहुत मीठा मीठा बोलता हो और एक्ट में इतना क्रोध करता हो कि सारी दुनिया को एटम बम फाड़ के फोड़ के और खलास कर दे, इतना अंदर से गुस्सा भरा हुआ हो, तो उसे सरसवान कहेंगे? ऐसा रस किस काम का जो नीरस कर दे? तो सरस्वती है धारणावान, ज्यादा धारणावान ब्रह्मा बाबा थे, ज्यादा ज्ञान की बातें ब्रह्मा बाबा को याद रहती थी कि सरस्वती को याद रहती थी? सरस्वती को याद रहती थी, और प्रैक्टिकल जीवन में भी हैं सरस्वती ने ही धारणा की, और अभी भी जो नौ देवियां प्रत्यक्ष होनी हैं उन नौ देवियों में भी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन होगी? हैं? देवी तो एक ही होगी, बाकी मूर्तियां अलग अलग हो जाती हैं। तो जो सतयुग होगा उस सतयुग में सार रूप में जीवन में धारणा करने वालों का युग होगा, बोल बोल करने वालों का या सिर्फ कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ करने वालों का युग नहीं होगा, सार रूप में ज्ञान का तंत्र धारण करने वालों का युग होगा। क्या तंत्र धारण किया? स्टार। और हमारे ज्ञान का पहला तंत्र, पहली सीढ़ी क्या है? मैं आत्मा हूँ। जब से आए बेसिक में या जब से आए एडवांस में, वो पहली पढ़ाई वो अभी भी चल रही है और अंत तक भी इसी की प्रैक्टिस चलती रहेगी, और जब ये प्रैक्टिस पूरी होगी तो हम देवता बन जाएंगे, सतयुग आ जाएगा। इसलिए सतयुग को सरस्वती युग भी कहते हैं। और बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी याद आएगी, ये वाक्य किसके लिए है? तेरी एक को कहा जाता है, तुम एक को कहा जाता है या दो चार को कहा जाता है? तुम लोग दो चार को कहा जाता है, हम लोग ये भी दो चार को कहा जाता है, अनेकों का कहा जाता है, वो लोग ये भी अनेकों को कहा जाता है, लेकिन तेरा या तेरी ये एक को कहा जाता है। और जो बाप होता है वो बच्चे को रिगार्ड देता है, क्योंकि बाप जानता है कि मेरी सारी मिल्कियत का ये वारसदार बनेगा।
तो बाप फिर भी रिगार्ड देता है। लेकिन जो बाप का बाप होता है वो तो ग्रैंडफादर है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके सामने। अगर वो बच्चे बड़े भी हो जाएं, तो भी उनको तेरा तेरा कह के बोलेगा। तो ये दादे का वर्षा है जो तेरे को मिलता है। बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का वर्षा राम वाली आत्मा को नहीं मिलता, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलता है, लेकिन राम और राम के फॉलोअर्स को ये वर्षा नहीं मिलता। लेकिन बाप का वर्षा भले न मिले, लेकिन दादे का वर्षा सबको मिलता है। तो तेरे तेरे कह करके बाप बात बाबा बात करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या दूसरे को भी पूछ रहे हैं ना? भक्ति मार्ग में चार वेद कहते हैं, उनके नाम अलग अलग दे दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हाँ, वेद माने जानकारी। मुख्य धर्म कितने हैं? चार ही मुख्य धर्म है। मुख्य युग कितने हैं? चार ही मुख्य युग। जो सूर्यवंश है वो कौन से युग में पनपता है? सत्य युग में पनपता है। माने सत्य युग जिसे कहते हैं रिक, रिक माने सच्चाई, वो सत्य युग है, सच्चाई का युग है। वहां असत्य कुछ भी होता नहीं। दूसरा युग सूर्यवंशियों का है या चंद्रवंशियों का है? दूसरा युग चंद्रवंशियों का है। तो जो चंद्रवंशी हैं वो त्रेता में हो गए। अगला युग द्वापर, उसमें ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कौन सा विधर्मी आता है? इस्लाम आता है, इब्राहिम आता है। तो किसका युग हो गया? वहां सारी दुनिया में कौन सा धर्म है जिसका राज्य चलता है ज्यादा से ज्यादा? सारी दुनिया में इस्लामियों का राज्य चलता है, तो वो इस्लामियों का हो गया। और चौथा मुख्य धर्म है क्रिश्चियन, कलयुग। बल कलयुग के आज में सारी दुनिया में क्रिश्चियन नहीं है, मध्य में भी नहीं है, लेकिन अंत में फिर भी सारी दुनिया में किसका राज्य चलता है? कलयुग ही एक युग ऐसा है जहां सारी दुनिया में क्रिश्चियंस का बोलबाला हो जाता है। तो चार वेद हैं, उनका ज्ञान भी अलग अलग होगा, एक जैसा होगा, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। फिर पुराण है, लेकिन ये पुराण लास्ट में है कि पहले है? पहले वेद है। वेदों से निकले आरण्यक, आरण्यक माने जंगल में जाकर के मनन चिंतन मंथन किया वेदों की ऋचाओं का। अरण्य माने जंगल, तो उनका नाम पड़ गया आरण्यक। फिर उनकी भी व्याख्या निकली तो ब्राह्मण बने, शतपथी ब्राह्मण,
ढेर के ढेर ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर उपनिषद निकले। एक चेला एक गुरु के पास बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, आत्मज्ञान लेता था। आज के गुरुओं की तरह नहीं, एक गुरु बैठ गया और लाखों की तादाद में चेले बैठ गए और आत्मज्ञान दिया जा रहा है। हैं? आत्मज्ञान तो कोई नहीं लेता, पैसे इकट्ठे करके गुरु जी और चले जाते। तो आत्मज्ञान नजदीक बैठ करके चेले लिया करते थे, शिष्य लिया करते थे गुरु के पास बैठकर। तो कहते हैं उप, उप माने ऊंची स्टेज में, निषद माने बैठना। जो शिष्य है वो ऊंची आत्मिक स्टेज में रह करके गुरु के नजदीक बैठ करके आत्मज्ञान ले। भले राजा का बच्चा हो, सुदामा जैसा गरीब का बच्चा हो, लेकिन आत्मिक स्थिति दोनों की कैसी होती थी? देह की स्थिति होती थी या आत्मिक स्थिति होती थी? गुरु के पास आत्मिक स्थिति रहती थी। तो उपनिषद बने, फिर उपनिषदों की भी व्याख्या हुई, फिर ये पुराण निकले, जैसे रामायण महापुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण। तो ये सब व्याख्याएं होती चली गई, बाल में से खाल निकालते चले गए। और जितना जितना विस्तार होता जाता है उतना उतना सार गुप्त होता जाता है। माने द्वापर युग के आदि में जो शास्त्र बने थे उनमें सच्चाई थी, बाद में जैसे जैसे विस्तार होता गया सच्चाई गुप्त होती गई। हाँ, और सचिव कांत है और द्वापर के आदि वहाँ पर पृथ्वी का चित्र दिखाया गया है, पृथ्वी का चित्र दिखाया गया है और उसके ऊपर भारत का चित्र दिखाया गया है, उसके ऊपर भारत का चित्र दिखाया गया है। हाँ। तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? हाँ, त्रेता का अंत और द्वापर के आदि जो चित्र दिखाया गया है ना। अरे द्वापर कहने से ही क्या साबित होता है? द्वैतवाद। तो नीचे है द्वैतवाद और ऊपर है अद्वैतवाद। जहाँ दो नहीं है, जहाँ एक ही एक है, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत, सब कुछ एक ही एक है, तो अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं। इसलिए जहाँ अद्वैत है वो ही सच्चा भारत है। भारत माने भा माने रोशनी, ये आत्मा की रोशनी है रत। जहाँ भारतवासी आत्मिक रोशनी की स्मृति में रहते थे, द्वैतवाद दूसरी चीज थी ही नहीं, जैसे देह थी ही नहीं, पांच तत्वों का चिंतन वहां था ही नहीं। और आज की दुनिया में वही जड़त्वमयी पांच तत्वों का चिंतन है, देह का चिंतन है, है? आंख नहीं डाल देंगे, हार्ट नया डाल देंगे, पूरा शरीर नया बना दिया, क्लोन बना देते हैं, आत्मा नहीं बना सकते। आत्मा के बारे में जानते ही नहीं। इसलिए जो बीच में भारत का चित्र दिखाया है उसका अर्थ यही है कि पहले होते थे अद्वैत और द्वापर से हुए द्वैतवादी। कोई कोई आत्मा छोड़ते तो घर में बाद में बर्बादी हो जाती है।
शरीर छोड़ती है तो सबके घर में बर्बादी थोड़ी हो जाती है, सबके घर में बर्बादी थोड़ी हो जाती है, कोई कोई को बर्बादी भी हो जाती है, कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि घर में आत्मा जन्म लेती है और आबादी हो जाती है, कोई कोई घर में ऐसा भी होता है कि आत्मा जन्म लेती है और बर्बादी हो जाती है। तो ये तो सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें कोई ये पक्का कानून नहीं है कि ऐसा होगा तब ही ऐसा होगा, नहीं। और धर्म पिता का भेद क्या है? धर्म पिता का भेद क्या है? धर्म पिता इसका मतलब क्या है? धारणाओं का पिता, तो वो यही ज्ञान लेते होंगे ना, वो जो धर्म पिता है वो या इसी संगम इस बात से ज्ञान लेते होंगे, तो फिर आगे जाके धर्म पिता का ठीक है। सारी दुनिया का बीजारोपण कहाँ होता है? बीज तो यहीं पड़ता है, नहीं तो 108 की माला कहाँ बनती है? यहाँ बनती है। उस 108 की बीज रूप माला में, रुद्र माला में सब धर्म के बीज होते हैं कि एक ही धर्म के बीज होते हैं? सब धर्मों के बीज होते हैं, उन पर सभी धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं। क्या वो बीज हैं? माने बहुत पुराने हैं बीज, माने बाप, सारी सृष्टि के बाप हैं, लेकिन हैं सब धर्मों के बाप उनमें 108 हैं, लेकिन एक धर्म के नहीं है। कब? अभी के लास्ट में, लास्ट में, अभी अभी उन पर सब धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। लास्ट में क्या होगा? जिनके उनके ऊपर जो जो धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो सब छिलके उतर जाएंगे, फिर वो 108 बीज क्या हो जाएंगे? हैं? वो सारे के सारे 108 बीज देवी देवता सनातन धर्म के उस समय पक्के हो जाएंगे। तो सारी शूटिंग पीरियड में पक्के रहे या नंबर वार पक्के कच्चे दोनों रहे? तो जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों का मोटा मोटा छिलका बना रहा और ज्ञान के डंडे पड़ते रहे, तो शूटिंग तो होती रही ना। तो जो यहाँ की शूटिंग है वो फिर द्वापर युग से उजागर हो जाएगी, वो इमर्ज हो जाएगा वहां। हाँ, सत्युग त्रेता में मर्ज होकर के रहेंगे। और सृष्टि चक्र के ऊपर जब सरस्वती को बैठे दिखाए हैं, सृष्टि चक्र जो है ना, हाँ, वो लेकर के, हाँ, उसके ऊपर ब्रह्मा और सरस्वती को बैठे, हाँ, उस समय प्रजापिता और ब्रह्मा जो असली है, ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले जिस समय ये चित्र बने हैं उस समय वो नहीं थे मौजूद। ये चित्र जो बने हैं त्रिमूर्ति का, गोले का, झाड़ का, ये तो माउंट आबू में आने के बाद बने हैं या कराची से ही बने? माउंट आबू में आने के बाद कंप्लीट बन गए। तो उस समय वो सृष्टि के आदि माता पिता नहीं थे जिन्होंने नए सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज डाला था। हाँ, जो दिखाए गए हैं वो सृष्टि के पत्ते तो हैं, वो माता पिता नहीं है। हाँ, चित्र आगे बदल जाएंगे ना बाबा सर? है चेंज हो जाएंगे, ओरिजिनल जो बाबा ने मुरली में बोला है तो मुरली में बोले हुए अनुसार आचरण करना पड़े या नहीं करना पड़े? करना पड़े।
तुलसी चक्र के ऊपर लिखा है इतिहास भूगोल की पुनरावृत्ति हुई, पुनरावृत्ति नहीं होती है क्या? तो फिर उसके ऊपर तीन धर्म पिता क्यों दिखाई दे? तीन ही धर्म पिता क्यों दिखाई दे? वो तीन मुख्य है ना विधर्मियों में, स्वधर्मी में तो एक ही धर्म पिता है और विधर्मियों में तीन मुख्य धर्म पिता है, तो चार मुख्य धर्म पिताएं हुए, चार ही सारी सृष्टि के मुख्य बीज हुए, उन चार से फिर दूसरी दूसरी ट्यूब से निकलती रहती है बाद में। बाकी मुख्य धर्म चार ही है, ब्रह्मा के मानस पुत्र चार ही है जो चार धर्मों के बीज है। सभी मुरली में आता है ना, चार जनों ने इसे किसे पकड़ी और चार बाकी है उसके। मुरली में वाक्य आता है ना उनके, क्या चार जनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई, चार बाकी है। हाँ, जगन्नाथ का जब भंडा चढ़ाया जाता है तो दिखाते हैं कि जो चावल पकाए जाते हैं, ये आत्मा रूपी चावल जब पकाए जाते हैं तो उनके चार हिस्से हो जाते हैं। वो जैसे कि षष्ठी चक्र तैयार हो गया है, दाई ओर के दो और बाम मार्ग में जाने वाले दो। जो दाई ओर के दो हैं वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्रता को प्योरिटी को पालन करने कराने वाले, और बाई ओर के जो हैं वो बाया हाथ अशुभ सूचक होता है, गंदगी को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो वो ऐसे ऐसे धर्मों की स्थापना करने वाले हैं जहाँ व्यभिचार पनपता है, गंध की सृष्टि पैदा होती है। कौन आज मुरली में क्या आया? शुरू शुरुआत में मुरली में क्या बोला? मैं रास्ता बताता हूँ या बनाता हूँ? मैं तो रास्ता बताता हूँ। अपना अपना भाग्य अपने आप बनाते हैं या कोई दूसरा बनाता है? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। 63 जन्मों में जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं वैसी वैसी इस लास्ट जन्म में बुद्धि की हजार नियामत हमको मिल गई। अब उस बुद्धि के प्रमाण हम ईश्वरीय वाणी को अपने तरीके से समझते हैं, धारण करते हैं और अपना जीवन बनाते या बिगाड़ते हैं। तो 108 को भी बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं, लेकिन हमारी भावना के आधार पर कहा जाता है क्या कि श्री श्री 108 हाँ जगत गुरु है, और जगत गुरु साकार होता है कि निराकार होता है? है साकार होता है। और राम राजा राम राजा राम शंकर इसका बेहद का मना, एक ही आत्मा ऐसी है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ बच्चों का क्या है? बाप है, बीज है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, परंतु वैरायटी धर्मों का झाड़ होते हुए भी इसका बीज रूप बाप एक है या 4-8 है? एक बीज है, और वो एक बीज ऐसा है कि जैसा जैसा टाइम पास होता जाता है वैसा वैसा उसका रूप बदलता जाता है। जब इस्लाम धर्म की राजाई स्थापन होनी होती है तो इस्लाम धर्म में चला जाता है, क्रिश्चियन धर्म की राजाई स्थापन होनी होती है तो क्रिश्चियन धर्म का मुखिया बीज बाप बन जाता है। हर धर्म की जो राजाई का वर्षा है वो किससे मिलना है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उससे मिलता है, परंतु देवी देवता सनातन धर्म का
जो बीज है वो साकार नहीं है। कौन है? उस साकार में वो निराकार है। हाँ हैं आधा में जाम आधा में रैयत, रैयत माने प्रजा और जाम माने जम के गद्दी पे बैठने वाला। जम करके गद्दी पे कौन बैठता है? राजा बैठता है। माना आधा में राजा और आधा में प्रजा का पालन पोषण होता है। आधा में राजा का मतलब यह है कि जो राजा होता है और राजा का जितना भी राज परिवार होता है, सारे राज्य की धन संपत्ति को इकट्ठा करे और आधा आधा कर दे, तो आधे में राज परिवार और राजा पलता है और आधे में जितनी भी प्रजा है वो सारी की सारी प्रजा का पालन पोषण होता है। तो कितना महत्व है राजाई का? ऐसी राजाई का रास्ता भगवान आकर के बताता है। संगम यहाँ तो राजाओं के लिए पैसा खर्च नहीं होता है। संगम युग में जो राजा बच्चे बनते हैं उनके लिए तो ज्यादा खर्च नहीं होता है। ज्यादा खर्च नहीं होता है? क्यों? बीके वाले हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाबा की बात, बाबा के एडवांस पार्टी में ऐसे बच्चे नहीं है जो बहुत पैसा खर्च करते हो? नहीं। यहाँ दूसरे धर्म के बीज नहीं है? तो जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो स्वार्थ के लिए खर्च करेंगे ज्यादा या परमार्थ के लिए, विश्व कल्याण के लिए ज्यादा खर्च करेंगे? तो स्वार्थ के लिए ज्यादा खर्च करेंगे। जब राजा ही स्थापन हो जाए तब। अभी जो राजा बनने वाले होंगे इस जन्म में, आगे आने वाले टाइम में, वो अभी से ही ऐसे बचत करने वाले होंगे। जैसा डायरेक्शन बाप का है, क्या डायरेक्शन है? कम खर्च बालानसी। कम खर्च का तरीका बता दिया। पुरुषार्थ करने के लिए पेट क्या चाहता है? पाव रोटी, दाल रोटी भी नहीं। दाल 100 रुपया किलो है। दाल और लगा दिया। दाल नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रहेंगे? तो भी जिंदा रहेंगे। तो यज्ञ के आदि में वो चार धर्म पिताई थे है। यज्ञ के आदि में जब 1936 की बात, ठीक है, तो उनमें से कोई तो भी संपूर्ण धारणावन बन के आगे निकल गया होगा। आपको पता ही नहीं इन चार में से कौन आगे निकल गया होगा? माने आप अपने बाप को नहीं जानते। जो अपने बाप को जानते हैं वो देवी देवता सनातन धर्म के, और जो अभी भी इतना ज्ञान लेने के बाद बाप को नहीं जानते तो कोई दूसरे धर्म के होंगे। अरे जो आदि में सो अंत में। हाँ, बाबा शनि देव को सूर्य पुत्र कहा जाता है और कर्ण को भी सूर्य पुत्र कहा जाता है, तो लेकिन कर्ण जो है वो करों के लिस्ट में चला जाता है, तो शनि देव को कौन से लिस्ट में डालेंगे बाबा? शनि देव ज्यादा चिल्लाता है या दूसरे देवता ज्यादा चिल्लाते हैं? जो ज्यादा क्रोध करना, ज्यादा चिल्लाना बिल्लाना, ये सब नीच की निशानी है, ऊंच की निशानी है, नीच की निशानी है। उसको देव की लिस्ट में डाल दिया ना? है? देव की लिस्ट में डाल दिया। हाँ, कुछ न कुछ प्योरिटी का पालन किया होगा।
हाँ चलो समझ लो, बोल लो किसी को, उससे क्या अंतर पड़ता है। हाँ हाँ, दुनिया में कोई किसकी पूजा ज्यादा करता है, कोई किसकी पूजा करता है। चोर डकैत होगा, डाकू होगा, चोर होगा, वो किसकी पूजा ज्यादा करता है? महाकाली की ज्यादा पूजा करता है। जो उस कुल के होंगे वो उसके बारे में चिंतन भी ज्यादा करेंगे क्या, और उस कुल के नहीं होंगे तो अपने बाप के बारे में चिंतन करेंगे या दूसरे के माँ बाप के बारे में चिंतन करेंगे? हाँ शनि की बातें आप बताओ खूब। पिक्चर में शूटिंग थी ना, उसकी वजह से बहुत लोग आते थे। हाँ शनि की बहुत लोग आते हैं, माने भगवान है शनि, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं ऐसे वो लोग समझते हैं, और आप बखान करते हैं। मुरी में वाक्य आता है, मम्मा लेते को कैसे घर कहते हैं। मुरी में वाक्य आता है, मम्मा लेते को कैसे घर कहते हैं। बीच में की बात सही पाई, उसने 10 पैसे में विश्व की बात सही पाई, ऐसे मुरली में वाक्य आया है। ठीक है, गरीब बन के आता है तो क्या हुआ? हाँ मम्मा ने ज्ञान रत्नों को ज्यादा वैल्यू दी या स्थूल धन लेकर के आई थी? तो ज्ञान रत्नों को ज्यादा वैल्यू दी तो देखो वो महारानी बन जाती है सती। शिवाजी महाराज तो भवानी माता को बहुत मानते थे। शिवाजी महाराज भवानी की पूजा करते थे, कुल गुरु थे ना उनके। जय भवानी जय शिवाजी, बहुत नारा नचता है महाराज। जय भवानी जय शिवाजी ऐसा नारा, बहुत नारा लग रहा है महाराज। शिवाजी महाराज को कैसी शक्ति मिलती थी? शिवाजी महाराज को कैसी शक्ति मिलती थी? कैसे शक्ति मिलती थी भवानी? वो तो राम संप्रदाय हो गए ना देवी के पूजा भवानी। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई में जाते थे तो तलवार उनके सामने रखी। माने उन्होंने अपनी माता का विशेष मान दिया, माता को वो भवानी के माता के रूप में मानते थे। हाँ मात्र पुजारी थे, मात्र भक्त थे। हाँ नहीं भवानी उनकी कुल देवता थी। हाँ भवानी ठीक है, कलयुग तमो प्रधान युग है ना, तो तमो प्रधान युग में जो ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो भी किसको मानने लग पड़ती है? हैं हम माता को ही मानेंगे, माताओं का युग है। और शिवाजी को लौकिक में जन्म देने वाली माता होगी, जोशी वाली को लौकिक में जन्म देने वाली माता होगी। अरे वो ये जगदम्बा होगी, ऊपर हाँ जोशी वाली को लौकिक में जन्म देने वाली माता होगी। हाँ वो जगदम्बा होगी। माने शिवाजी जो है वो भवानी को माता मानते थे, उनका नाम था शिवाजी। तो शिवाजी क्या बोला? माता का नाम लोग तो बाप भी तो होगा। हैं हाँ तो उनका बाप जो था वो शाहजी था, वो जीजाबाई थी। वो जीजाबाई को जी जा क्या जीवित होके जा या मर के जा?
जीवित हो गए जा, वो कह रहे हैं जगदम्बा उसकी अम्मा थी। तो जगदम्बा जो है वो जीजाबाई हुई या लक्ष्मी जीजाबाई हुई? जिंदा होके कौन जाती है सतयुग में? लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी ही माता का रूप हुई, लक्ष्मी की कदर करनी चाहिए। गृह लक्ष्मी वो ही माता है। हाँ अभी इतना ज्ञान लेने के बाद दाएं मार्ग में जा रहे हैं कि बाएं मार्ग में जा रहे हैं? हाँ? इतना ज्ञान ले लिया देवताओं ने, देव आत्माओं ने, अभी बाम मार्ग में जा रहे हैं या दाएं मार्ग में जा रहे हैं? अभी भी बाम मार्ग में जा रहे हैं। तो शूटिंग नहीं हो रही? हाँ मुगले में कहा है कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे या तो लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, मुगले में कहा है। तो हम बच्चों को क्या पढ़ना है और क्या लिखना है? जो भी भगवान बाप पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, तो टीचर वो ही पढ़ना है, वो ही लिखना है। लेकिन एक मुगले में बाबा ने कहा है कि फर्स्ट का क्लास बोले तो पुरुषार्थ की सम्मुख सुनना, और सेकंड द्वारा मुरली द्वारा टेप द्वारा, और थर्ड क्लास को मुरली का है। तो थर्ड क्लास की पढ़ाई से क्या नवाब बनेगी? थर्ड क्लास की पढ़ाई मनुष्य के द्वारा उसमें मिक्सरिटी होती है कि नहीं होती है? हैं? जो थर्ड क्लास पढ़ाई मुरली है लिखी हुई कागज में, वो सुनने वाला सुनता है। मान लो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कैसेट चलाई गई, वो कैसेट सुनने वाले ने सुनी। अब बाबा दो वो, 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 वो करके बुद्धि की आवाज में बोलते थे, तो सुनने वाले के सुनने में फर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? वो फर्क एक पड़ गया। उसने शॉर्ट हैंड करके कुछ लिखा, जो शॉर्ट हैंड करने वाला है वो उसमें गलती कर सकता है कि नहीं? वो भी कर सकता है, वो भी करता है। शॉर्ट हैंड के बाद फिर उसको क्या नाम है, हाँ लिखा जाने के बाद फिर वो पढ़ा गया, तो अंतर पड़ेगा ना बराबर। इसलिए भगवान जो डायरेक्ट बोलता है वो ही सच्चा है, वो ही सच्ची पढ़ाई है, वो फर्स्ट क्लास पढ़ाई है, और बाकी सब सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पढ़ाई। भगवान सामने बैठ करके जो पढ़ाएगा उसमें वाइब्रेशन की ताकत भी मिलेगी, दृष्टि की पावर भी मिलेगी, वाचा की पावर भी मिलेगी। सत्यवाणी होगी या झूठ वाणी होगी? सत्यवाणी होगी। तो वो बात ही कुछ और हो जाती है। इसका मतलब पढ़ाई बोलो तो सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना और लिखना दोनों एक जनरल शब्द हो गए। पढ़ाई शब्द का उपयोग किया ना मुरली ने, तो सिर्फ पढ़ना नहीं हो सकता, सुनना भी उसमें आ जाता है। जो कुछ हमने भगवान के मुख से सुना वो नोट करने के लिए नहीं बोला क्या? जो नोट किया हुआ हम अपना, वो हम उसे पढ़ेंगे नहीं दोबारा? तो पढ़ाई नहीं है, वही तो पढ़ाई है। पढ़ाई के बाद लड़ाई का कैसे होती है और किससे होती है? हाँ, जब हमने सच्चाई को पढ़ लिया, हमने जान लिया कि ये सच्चाई है और ये झूठ है, तो नई दुनिया स्थापना ऐसे ही हो जाएगी बिना संघर्ष के? सच्चे और झूठ का संघर्ष होगा या नहीं होगा? होगा। वाइब्रेशन में टकराव होगा, जबरदस्त टकराव होगा, और फिर नई दुनिया आएगी। बाबा लक्ष्मी के लिए गायन है वरुण शंभो नहीं तो रवि कुमारी, तो अभी लक्ष्मी की पाठधारी शिवाजी को जन्म देती है, लक्ष्मी की जो लक्ष्मी है वो शिवाजी को जन्म देने के निमित्त बनती है। तो बाबा फिर वो शिवाजी के पिता तो शाहजी हुए ना? हाँ। और शिवाजी बाप का पार जाए ना? हाँ हाँ। शिवाजी बाप का पार जाए ना? शिवाजी किस आधार पर कह दिया बाप का पार्ट है?
कोई आधार मिला? शाह जो है वो तो, शाह तो राजा को कहते हैं। कोई मतलब कोई पार्ट हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके पीछे कोई प्रूफ और प्रमाण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके पास ऐसा मुरली ने कहा है, शिवाजी के पास है, मुरली बाबा ने बोला है कि शिवाजी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपने बलबूते पर साम्राज्य निर्माण किया। अपने बलबूते पर किया क्या? उनको ताकत माँ की नहीं मिल रही थी? श्रद्धा विश्वास जो था उनका माँ के प्रति बैठा हुआ भावना, वो भावना की ताकत नहीं मिल रही थी? हाँ मिल रही थी। रामदास उनके गुरु थे, उनकी ताकत नहीं मिल रही थी? शिव को हाजी करने वाला, शिवाजी मैंने हाजी, शिव आजी, शिव हाजी। अच्छा हाजी यात्रा की है? नहीं नहीं हाजी यात्रा नहीं, हाजी मना हाजी का पार्ट। हाजी कहाँ से आ गया? शिवाजी आ का डंडा है, हाँ तो है, तो वो पाप का पार्ट नहीं है। शिव राम वाली आत्मा का कुछ भी कहने से पहले हमें प्रूफ सामने रखना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जीजा माता मना वैष्णवी है, वैष्णवी ने जन्म दिया ना 76 में, फिर बेसिक ज्ञान जिसे हम वैष्णवी कहते हैं उसमें एक आत्मा है या चार आत्माओं का सम्मिश्रण है? एक आत्मा थोड़ा ही है, चारों की सम्मिलित शक्ति है। 76 में तो एक ही आत्मा, चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे या अलग अलग रहेंगे? संस्कार ही मिलकर के एक हो जाएंगे, अंत में होंगे ना बाबा? हाँ हाँ अंत में होंगे, तो यहाँ तामसी स्टेज में होंगे, वहाँ सत्वप्रधान स्टेज में होते हैं, कलयुग में कलयुग तामसी स्टेज में होंगे। क्या है बेटा? क्या शिवाजी का अर्थ? शिवाजी का अर्थ, शिवाजी का अर्थ वो कल्याणकारी, अर्थ है कल्याणकारी। नहीं कलयुग में जो नाम होते हैं जैसे नाम होते हैं वैसा अर्थ थोड़ा ही होता है, है हिंसा को हिंसा से खत्म किया जा सकता है क्या? है नहीं किया जा सकता। तो शिवाजी ने हिंसा की या नहीं की? फिर जितने भी राजाएं हुए सब ने हिंसा की, सारे ही नीचे गिरे, सब नीचे गिरते हैं, कोई ऊपर नहीं उड़ता। प्रजा का कल्याण के लिए किए मुगल को भगा दिया ना? हाँ शिवाजी महाराज, हाँ तो मुगलों का राज्य खत्म हो गया? नहीं हुआ, तो मतलब कुछ झूठा था ना। जो संपूर्ण सच्चाई होगी वो संपूर्ण झूठ के ऊपर विजय पाएगा या नहीं पाएगा? द्वापर से इब्राहिम आते ही व्यभिचार फैलना शुरू कर देता है। द्वापर से इब्राहिम आते ही व्यभिचार फैलना शुरू कर देता है। हाँ व्यभिचार फैलाना शुरू करता है। अच्छा अभी 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 विष्णु पार्टी में ऐसे नहीं निकल रहे हैं जो व्यभिचार फैला रहे हैं? है है बाबा शिव, शिवाजी का गुरु रामदास ना, तो रामदास फिर रामवाली, रामदास रामवाली आत्मा, रामदास रामवाली आत्मा, राम है कि राम का दास है वो ब्रह्मा हो गया फिर? तो फिर शिवाजी कौन? दुनिया भर की बातें सब निकालो जब उसका कोई खरतेल निकले, खरतेल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम के आधार पर सारी बात निकाल दो तो कैसे निकल आएगी? हाँ मनन चिंतन मंथन करें लेकिन साथ साथ प्रूफ और प्रमाण को भी सामने रख कर की बात दूसरों के सामने उजागर करें। तो छह रानियां थी बाबा। हाँ हाँ तो कलयुग में होता है। हाँ कार्तिकेय को छह छह अम्माएं थी।
एक प्रूफ हुआ कि जैसे शिव बाबा आकर के आठ का संगठन बनाता है नई सृष्टि की शुरुआत में, वैसे शिवाजी ने भी आठ का संगठन बनाया, फिर नई दुनिया शुरू हुई। अच्छा, जो राज्य स्थापन हुआ वो अविनाशी राज्य स्थापन हुआ या विनाशी राज्य स्थापन हुआ? ये क्या बात है, फेल हुआ तो भी राम बाप, जीत हुआ तो भी राम बाप। अंत का नारा है ऐसा कहा जाता है, शिव शक्ति अंत का नारा ऐसा कहा जाता है ना? हाँ, ये कहा जाता है। पहली अभ्यक्तवाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अभी रुद्रमाला के मण के पुरुषार्थ करते करते थक रहे हैं या नहीं है? थक रहे हैं, बेसिक नॉलेज वाले तो थक रहे ही हैं। वो तो थक नहीं रहे, जैसे सांस किसी को उखड़ जाती है ऐसे नपसेल हो रहे हैं, लेकिन एडवांस नॉलेज वाले भी थक रहे हैं। तो क्यों अलग है? तो अब अव्यक्त वाणी में डायरेक्शन क्या दिया? विजय माला का आवाहन करो। इससे साबित होता है कि विजय माला जब आएगी तो फिर मेल होगा अंधे और लगने का, और विषय वैतरणी नदी पार हो जाएगी। अभी तो निवृत्ति मार्ग है, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनके प्रैक्टिकल जीवन में वर्तमान में जो भी संगी साथी हैं, उन अपने अपने संगी साथियों से कोई खुश नहीं है। है खुश? कोई खुश नहीं है, इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन तो जरूर पढ़ना है, पढ़ रहा है नहीं, पढ़ना है। जब वो फाउंडेशन पड़ेगा तो स्वभाव संस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? स्वभाव संस्कार मिलेंगे। स्वभाव संस्कार जब मिलेंगे प्रकृति और पुरुष के, तो विजय हो जाएगी, देवताओं का धर्म स्थापन हो जाएगा। देवताएं प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं। तो अभी भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, एडवांस वाले कहते हैं कि बेसिक वाले तो सरेंडर वर्ग सारे ही जितने टीचर्स हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अच्छा चलो, वो निवृत्ति मार्ग वाले हो गए, लेकिन एडवांस में जो भी घरगत से निकले हुए हैं, यहाँ तो सारे घरगत से निकले हुए हैं कि सरेंडर्ड वर्ग से निकले हुए हैं? घरगस्त से निकले हुए हैं, लेकिन जहां से भी निकले हुए हैं वो घरगस्त का जीवन नाम मात्र का गृहस्थी जीवन है, प्रवृत्ति मार्ग है, या प्रैक्टिकल में देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग है? मनसा के वाइब्रेशन कैसे हैं? टकराव वाले हैं या विष्णु के हैं? टकराव वाले हैं। इसलिए विजय माला का आवाहन करो, काम सहज हो जाएगा। हाँ बाबा, सुप्रीम कोर्ट की बिंदु दिखाई है, उसके नीचे जो मूर्ति दिखाई है, तीन मूर्ति, तो उन समय से सिर्फ दो मूर्तियों ने किरणे जाते हुए दिखाई दी। क्या क्या? शिव की किरणे। हाँ, दो मूर्तियों में ही दिखाई दी। हाँ,
शिव की प्रवेशता दिखाई गई है। प्रवेशता माने ज्ञान की प्रवेशता, ज्ञान की रोशनी की प्रवेशता। जो प्रवेशता दिखाई गई है तीन मूर्तियों में, वो स्पष्टतः है, जो भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो क्या अनुभव कर रहे हैं कि कौन सी मूर्तियों में वो ज्ञान की प्रवेशता ज्यादा हो रही है। आदि में ब्रह्मा में और अंत में शंकर में, विष्णु में वो प्रवेशता उतनी दिखाई नहीं पड़ रही है। और वैसे भी मुरली में तो बोल दिया है क्या कि तीन मूर्तियों में भक्ति मार्ग वालों ने तो तीन शेर दिखा दिए हैं, वास्तव में तीन शेर नहीं है, एक घोड़ा है, एक शेर है और एक बकरी है। तो वो तो अभी भी बकरी ही है, यह ईश्वरीय ज्ञान सुन रही है, है? जिसने कान पकड़ लिया उसी की बात सुन रही है। सुनने के लिए मजबूर है या नहीं है, है? उसी की बात सुनने के लिए मजबूर है, इसलिए वो तीसरी जो मूर्ति है उसमें ज्ञान की प्रवेशता नहीं दिखाई गई है। हाँ मुरली में वाक्य आते हैं, काला कोठरी में काला बुजुर्ग बैठा है, काली कोठरी में काला बुजुर्ग बैठा है, तो ये किसका पाठ? महाकाल का पाठ, दिलवाड़ा मंदिर में। और मूर्तियां तो गोरी 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 दिखाई गई हैं बैठी हुई, लेकिन कोने में जो मंदिर है जहाँ अंधेरा अंधेरा है, वहाँ कौन बैठा हुआ? काली मूर्ति काला देव बैठा हुआ है। गौमुख से गंगाई है, गौमुख से गंगाई है, फिर बोलते है भागीरथ ने गंगा लाई, फिर बोलते है अर्जुन ने तीर मारा तो गंगाई। जो भाग्यशाली रथ है, जो भाग्यशाली रथ है, जिसका रथ भगवान चलाता है, तो कोई मनुष्यात्मा चलाती है, कोई देवात्मा चलाती है, तो जिसका रथ भगवान चलाता है वो भाग्यशाली रथ हुआ ना, वो ही अर्जुन हुआ ना, वो ही भाग्यशाली रथ हुआ ना, है? वो ही जब रोष में आता है, आवाहन करता है गंगे, तो गंगा आती है ना, नहीं तो कितनी कितनी तपस्याएं की हैं गंगा को बुलाने के लिए, लेकिन गंगा नहीं आई। हाँ, ज्ञान की ही गंगा होती है और क्या, ज्ञान की गंगा होती है, जो ज्ञान को धारण करे तो ज्ञान की गंगा, धारण करके दूसरों को सुनाए और अच्छा रिजल्ट निकाले वो ही ज्ञान की गंगा। मुरली में आता है कि 10 वर्ष कम आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो 5000 वर्ष माना यज्ञ का आदि हुआ ना, 1964 सन 66 में ये वाक्य बोला गया, 66 में, 66 से पीछे चले जाओ चक्कर लगाते, 5000 वर्ष कहाँ, कौन से सन में पूरा होगा, 66 में पूरा होगा, अब 66 में से 10 वर्ष कम आ जाओ, पीछे आ जाओ, अरे 66 में बोला, ये 66 है पॉइंट, और 5000 वर्ष पहले का चक्कर लगाते लगाते 5000 वर्ष पहले पहुंचो, तो 66 में ही पहुंचे ना, फिर उसमें 10 वर्ष कम तो पीछे हटना पड़े ना, तो 10 वर्ष कम करेंगे तो 76 आएगा। और सन 1900 साल का है ना, 5000 वर्ष 1900 साल नहीं,
5000 वर्ष की छुट्टी 100 साल नहीं होती है। हाँ जी ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आज से 5000 वर्ष कम देव देवता पर अच्छा। हाँ तो यज्ञ के आदि में वो हाँ यज्ञ के आदि में हाँ हुआ होगा ना। क्या हुआ होगा माने जो मुख्य आत्मा है ना चार वो यज्ञ में आई होगी ना। माने संक्षेत्र में यज्ञ में नहीं आई, संक्षेत्र से यज्ञ में नहीं आई, लेकर आई बाबा दोबारा जन्म लेकर आई लेकिन यज्ञ के आदि में भी होगी ना। क्यों नहीं होंगी? आदि में भी होंगी तो एडवांस के आदि में भी होंगी, बेसिक के अंत में होंगी। मनुष्य ही सुधरे तो देवता, मनुष्य सुधरते तो राक्षस बनते। मनुष्य ही सुधरे तो देवता, मनुष्य सुधरे तो देवता, मनुष्य बिगड़े तो राक्षस। वही पहले लेफ्ट हैंड में होंगे ना और फिर राइट हैंड में जाएंगे। हाँ तो जो राइट हैंड वाले हैं वो बिगड़ करके राक्षस नहीं बन जाते? हाँ देवता धर्म के भी राक्षस बनते हैं कि नहीं बनते हैं? देवता धर्म वाले भी राक्षस बन जाते हैं। बड़े आदमी का लड़का कुसंग में आके ज्यादा बिगड़ेगा या छोटे आदमी का बच्चा कुसंग में आके ज्यादा बिगड़ेगा? तो सूर्यवंशी बाप सूर्य के बच्चे वो कुसंग में आते हैं तो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बाबा बाबा बोले ना कि राजयोग सिखा के मैं राजा बनाता हूँ। तो 108 राजाए हैं, राजाए तो 108 ही बनते हैं ना, तो सब यहाँ फिर राजा राजा बनेंगे ऐसा बोलते हैं, तो अपने अपने चलाते हैं। तो बाबा बोलते हैं ना कोई किसी की सुनता नहीं क्योंकि राजा बनने वाले हैं, तो वो बोलते हैं हम राजा बनने वाले हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो फिर ये ऐसी क्यों शूटिंग हो रही है? ऐसी 108 राजा है। हाँ। तो सब ऐसे ही क्यों बोलते हैं? सब ऐसे ही क्यों बोलते हैं? क्यों कि जो जो राजा के बच्चे बनेंगे भाई, कोई आदमी है कोई परिवार है और उस परिवार में जो परिवार का मुखिया है वो व्यापारी है, कपड़े का व्यापार करता है, बड़ी दुकान खुली हुई है, हैं? तो बच्चा क्या दुकान का मालिक नहीं कहेगा अपने को? कहेगा ना। तो 108 तो राजाएं हैं लेकिन वो राजाओं के परिवार भी तो हैं, वो परिवार सब भांति मिलकर के 108 के जितने भी परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है? 16,108। तो सारे ही अपने को राजा कहेंगे या कम कहेंगे? राजा के बच्चे, राजा बेटा ज्यादा नहीं, वो सब प्रजा है, वो सब प्रजा है। और बाहुबल जी ने एक एक आत्मा में एक एक दुनिया बसी है, एक एक सिता है। तो जो अच्छे संकल्प चलाता है उसकी अच्छी दुनिया बनती है। संकल्प चलाता है उसकी बुरी दुनिया, संकल्पों से सृष्टि की जाती है, संकल्पों से सृष्टि बनी है। हाँ सही बात है, तो अच्छी संकल्प की सृष्टि रचे, स्वर्ग की सृष्टि रचे। कलयुग के अंत में क्या ऐसे घराने नहीं होते हैं, ऐसे परिवार नहीं होते हैं जो बहुत सुखी ही सुखी होते हैं? तो कलयुग के अंदर भी तो स्वर्ग है, जिनके घरों में मक्खी एक भी नहीं मिलेगी, मच्छर एक भी नहीं मिलेगी, कीड़ा एक भी नहीं मिलेगा। भगवान से पढ़ाई पढ़कर ऊंचा नशा चढ़ता है। भगवान से पढ़ाई पढ़कर ऊंचा नशा चढ़ता है। ऊंचा नशा जब ऊंचा 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 नशा मनुष्य से पढ़कर, मनुष्य से पढ़कर नहीं। हाँ हाँ मनुष्य से पढ़ाई पढ़ी तो नशा हमारा वो नारायणी नशा चढ़ा या नीचे गिरे? एक होता है नारायणी नशा और एक होता है वैश्याओं का नशा। कौन सा ऊंचा गिराए ऊंचा उठाएगा, कौन सा नीचे गिराएगा?
नारायणी नशा ऊंचा उठाएगा क्योंकि प्योरिटी भरी हुई है।